हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी आज आपको बताएंगे कि जैसे आपका पावर प्लांट होता है, जैसा आपका बिजली बनता है, तो वहाँ पे डैम्स बनाए जाते हैं पानी को रोकने के लिए। तो डैम्स गेट्स ही डैम्स, जैसे कि सब जगह आपका गेट्स होता है, जैसे आपका मान लीजिए आपका घर का भी एक गेट होता है ना, इस तरह से नीचे को चौखट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? टॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉप। इसको भी आप क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं? साइड, ठीक है ना। इसको एल, इसको आर, क्या बोलते हैं? एल आर, ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटम बोलते हैं। देखिए बॉटम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो बॉटम में लगेगा उसको बॉटम सील बोलेंगे, जो टॉप पे लगेगा उसको टॉप सील बोलेंगे, जो साइड में लगेगा उसको साइड सील बोलेंगे, जो आपको साइड में लगे लेफ्ट साइड आर, एल आर, एल साइड आर साइड, राइट साइड। अब ये देखिए कि इसमें क्या होता है कि जैसे जो टॉप रहेगा वो साइड में भी रहेगा, तो ये तीनों जो है 1 2 3, ये तीनों का साइज एक ही रहेगा, तीनों का साइज एक ही रहेगा। सपोज मान लीजिए आपका कॉमन जो रहता है 45 बल्ब रहता है, इसका लेंथ 130 रहता है, 160 भी हो सकता है, इसका थिकनेस 19 mm रहता है कॉमन, ठीक है। तो ये जब ये कोई साइड बोलेगा टॉप साइड, तो मतलब साइज एक ही रहेगा, लेकिन वो आपको इंक्वायरी करेगा तो कस्टमर बोलेगा कि हमको टॉप चाहिए, साइड चाहिए, साइड में इतना लगने वाला है, आर एच इतना, आर एच इतना, और टॉप में इतना लगने वाला है बॉटम। अब देखिए जो बॉटम में लगने वाला है तो आपको बिल्कुल प्लेन रहेगा, इस टाइप का रहेगा, ठीक है ना, प्लेन ही रहेगा। और जो थिकनेस साइड सील टॉप सीट सिल का रहेगा, वही थिकनेस बॉटम का भी रहेगा, विड्थ भी सेम रहेगा। इससे मान लीजिए 130 इसका है तो इसका बॉटम में 130 रहेगा, अगर टॉप का 130 है तो 130, 160 है तो 160, थिकनेस 119 है टॉप साइड का, तो ये भी आपका बॉटम का उतना ही रहेगा। लेकिन अब इसमें बल्ब नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा? इसमें आपका बल्ब रहेगा, क्या रहेगा? ऐसा बल्ब रहेगा, इसमें क्या रहेगा? बल्ब रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें टेक्निकल थिंग्स क्या आपको देखना है, आगे समझ में। इसको हम लोग पी टाइप भी बोलते हैं, इस तरह पी पी जी सा रहता है, पी टाइप बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और ये आपका हो गया, ये बॉटम सील हो गया, ठीक है, चलो ये हो गया आपका, पी बोल सकते हो, साइड सील बोल सकते हो, टॉप सील बोल सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये है कि देखिए अब इसमें इसको क्या बोलेंगे, थिकनेस को स्टेम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अभी ये देखना है कि इसका विड्थ कितना है, विड्थ कितना है और इसका थिकनेस, थिकनेस ये थिकनेस हो गया और इसका विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे? विड्थ बोलेंगे, ठीक है ना। और इसका बल्ब डाया मतलब ये जो बल्ब टाइप का है गोल है, इसलिए इसको बल्ब बोलते हैं, ठीक है, आगे समझ में। तो ये आपका हो गया, इसके बाद आपका, ठीक है ना। तो इस तरह का आपने देखा फर्स्ट वीडियो में कि ये बल्ब सील है क्या, इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कितने तरह के होते हैं।